ठीक है, इतना हमने सेट कर दिया है। अभी फिलहाल में देख लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट एक रेंडर देखा था, हमने एक बेसिक सा रेंडर निकाला कि कैसे क्या काम करते हैं। वॉल हमने बना दिया, जो छोटी छोटी चीज़ें उससे थोड़ा सा हमने बनाया। अभी यहाँ पे बीच में जो जो बेडशीट है और जो पिलो है उस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर थोड़ा सा ट्राई करते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा यहाँ पे। तो ये हमारे से बेसिक से एक आउटपर हमने देखा भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक दो चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करके बताता हूँ कि किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑल थोड़ा सा टेक्सचर में चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा टेक्सचर को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, दो चार ऑप्शन मैंने ले रखे यहाँ पे। ठीक है, टेक्सचर में डाल रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने अमेजोन के साइट पर जाकर किंग साइज सर्च किया बेडशीट, वहाँ से मैंने टेक्सचर लिया। अच्छे खासे टेक्सचर मिल जाएंगे आपके पास, एक ये है एक दूसरा आपका ये है। ठीक है, तो पिलो पे मैं ये लगाने वाला और यहाँ पे मैं ये लगाने वाला। तो मैंने कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, माया में गई, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिलो है तो पिलो पे लाइक कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे मैं तो उसे देख सकता हूँ। दिस वन एक बड़ा पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, यहाँ मैंने लगाते हैं, कोई पैटर्न थोड़ा सा बड़ा देखेगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे इस पर गए राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गया और देन मैंने यहाँ पे टेक्सचर की दो वैरायटीज़ हैं, उन दोनों वैरायटीज़ को अगर आप चेक करते हो यहाँ पे तो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये कोई ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट कर देते, तो छोटे और बड़े पैटर्न आपके अभी देखेंगे। ठीक है, आप इसको जो टाइलिंग बढ़ा रहे थे, टाइलिंग को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। मटेरियल एट्रीब्यूट पे गया हम लोग यहाँ पे और देन मैंने कहा ओके टाइलिंग में बस कितना है, यहाँ पे मैंने किया 5x5 है मैं यहाँ पे, तो ऐसा कम कर देते क्योंकि पहले से टाइलिंग में ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2x2 कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो अभी यहाँ पे दोनों मैचिंग मैचिंग से देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, अभी इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर थोड़ा मैनेज किया। अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, मैं बस देखो कुछ चीज़ें इंटरसेक्ट करते हैं क्या। अभी जैसे मैंने आपको एक पैटर्न दिखाई, तो मैं पहला दूसरा पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको क्लॉथ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक्सप्रेस करते हैं मैंने यहाँ पे जो लेर यहाँ पे, देन दिस वन एंड कंट्रोल शिफ्ट एन एच, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल। थोड़ा सा क्लॉथ के बारे में थोड़ा सा काम कर लेते हैं यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, सभी को ले चलते हैं यहाँ पे, ऑल टच कर लिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़े देख लिया, एक बार लेयर में मैं जाकर हाइड कर देता यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये हाइड कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, सपोज मैं गया टॉप पे जाने, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक पॉलीप्लेन किया और फॉर स्केल। ठीक है, स्केल करने का मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट पे गए, फोकस यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा ऐसे मैं मैनेज करता हूँ क्या। ठीक है, थोड़ा सा मैं कस्टमाइज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, टॉप पे आगे से थोड़ा सा बैलेंस करना ताकि नीचे गिरे तो थोड़ा जगह भी मिलेगी यहाँ पे, ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इधर। तो ऐसे मैंने तो यहाँ पे क्या किया, विड्थ और हाइट, विड्थ थोड़ा सा बढ़ा था यहाँ पे, ये यहाँ तक। ठीक है, ओके, पिलो अभी नीड नहीं है, तो पिलो को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, तो PILOW पिलो यहाँ पे सेट कर दिया, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पिलो वन है मेरे पास यहाँ पे लेयर। ठीक है, यहाँ पे ऑन कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने ऑफ कर दिया। मेरे पास क्लॉथ है, क्लॉथ के अंदर टेक्सचर में डाल दूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेगमेंट्स को थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज हो जाए, रिंकल्स थोड़ा सा बेटर आ जाए यहाँ पे। ठीक है, दिस वन ये दोनों कंबाइन कर रखा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन। आपको अभी जैसे मैंने बताया ना, बेडशीट पे यहाँ पे काम करेगा, बेडशीट यहाँ पे मैं अगर असाइन कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गए एफएक्स में जाके मिला हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अनक्लॉथ, क्रिएट एंड अनक्लॉथ कर दिया मैंने यहाँ पे और देन मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया। तो ये स्टार्टिंग फ्रेम जाके एक बार चेक करने के काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, कुछ काम कर रहा है नहीं। अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने अनक्लॉथ किया यहाँ पे, यहाँ देखा पे नहीं काम कर रहा, सेलेक्ट एंड डिलीट कर दो, इसे सेलेक्ट करो सबसे पहले काम, इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दो। यहाँ पे हमने कहा था 1, 2 और 3 ये जो करते हैं एक बार क्रॉस चेक कर लेने के। ठीक है, ओके, क्लॉथ पे गए क्रिएट एंड अनक्लॉथ, यहाँ पे गए क्रिएट एंड क्लॉथ। ठीक है, मेक श्योर ये स्टार्टिंग फ्रेम पर तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्लॉथ के अंदर कंट्रोल ए एट्रीब्यूट में देखा ग्रेविटी हमारा ऑन भी है कि नहीं है, तो अगर क्लॉथ के पैरामीटर के साथ हम लोग डील करते हैं। कोलिजन है मेरे पास यहाँ पे फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियर करके भी आना चाहिए यहाँ पे, ये प्लेन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेड शीट एंड क्लॉथ, एंड क्लॉथ के बाद यहाँ पे मैंने एंड क्लॉथ शेप्स, यहाँ पे कोलिजन एंड थिकनेस। ठीक है,
यहाँ पे कहीं आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के विंड है, प्रेशर है, ठीक है। कुछ कुछ काम करे ही नहीं करे यहाँ पे, लाइक एटलीस्ट कुछ तो काम करे यहाँ पे। अगर मैं विंड का थोड़ा सा ये सब मैं थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो वर्क करे, कुछ काम करे नहीं करे यहाँ पे। एंड क्लॉथ ठीक है, शो एंड ऑल यहाँ पे मैंने कर रखा है। यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ पे मुझे मोस्टली चीज़ें क्या चाहिए तो उसमें देखता हूँ। मुझे भी लाइट नहीं चाहिए, सिंपल ज्योमेट्री के पार्ट में यहाँ पे लेता हूँ, तो ज्योमेट्री ही दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा काम मुझे ऐसा लगे ना कि यहाँ पे थोड़ा सा जब चीज़ ऐसी होती है कि चीज़ बहुत हौच पौच हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे देखने के मेरे पास यहाँ पे काम अच्छा होना चाहिए, जो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कई बार आपकी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वर्क नहीं करती। प्लस में क्या स्केलिंग का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। न्यूक्लियर देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर में ग्रेविटी है, ग्रेविटी में मैंने यहाँ पे क्या वन कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं, अभी गिरना स्टार्ट हुआ क्या? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया 10 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो जल्दी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की स्केलिंग के अकॉर्डिंग भी काम करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग में गया और मैंने इसको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्या किया, एंड क्लॉथ है, मैंने पैसिव कोलाइडर कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, न्यूक्लियर है यहाँ पे, मैंने ये न्यूक्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस का डील करो यहाँ पे, स्टार्टिंग देन प्ले। अब देखो यहाँ पे देखो ना, एक चीज़ और भी जानना है, जैसे यहाँ पे जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्रेम ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। 120 है, मैंने कर दिया 500, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। अगर आपने ऐसे कुछ दिखाया है तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो कि किस टाइप से पैटर्न को आप थोड़ा सा अरेंज करके दो, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी इसके साथ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़े। जैसे मैंने एक सिंपल सा पार्ट दिखाया कि मैंने यहाँ पर क्लॉथ पे किया, बेसिक सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। धीमे धीमे वो देखो कैसे नीचे भी आएगा। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ बढ़ाया भी, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, एंड क्लॉथ में गया, मैंने कहा ओके पुश ये और ये और ये, स्टार्ट पे गए और मैंने प्ले किया यहाँ पे। बिल्कुल नील कर दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पे इतने के बाद ये पार्ट हो रहा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, नीचे लोड हो रहा है यहाँ पे। बड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मुझे ऊपर से जब नीचे गिरा, मुझे यहाँ पे कहीं पे ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे अभी इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। जैसे ठीक है, नीचे रेड में किया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फाइल ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे फाइल बनने के साथ इस चीज़ को मैनेज करेगा यहाँ पे। ओके चलो प्ले करें यहाँ पे, रेड लाइन थी वो आपको यहाँ पे देखिए पार्ट दिखे यहाँ पे। मुझे इतने से मेरा काम चल जाएगा यहाँ पे, इतने से ही मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अभी अभी यहाँ से मैंने इतना गिरा दिया, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद 1 2 अरे 3, ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने सेट किया वो गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट आएगा, चला गया मेरे वहाँ पे वो पार्टी, यहाँ से गायब। ठीक है, डिस्प्ले सो एंड ऑल, ये मेरे पास है कि नहीं है, चला गया वो शायद। जैसे मैंने हिस्ट्री डिलीट किया, अभी देखो इसमें भी कई बार ऐसा होता है, अगर मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ बाई चांस मेरे से चला गया यहाँ पे, ठीक है। ओके डिस्प्ले सो एंड ऑल है, नहीं आया वो, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दो टर्न टोरी के, ऐसा वैसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉथ को मैंने डिलीट कर देगा, डिलीट करते यहाँ पर आया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इसमें एंड क्लॉथ डालूंगा, एंड क्लॉथ डालने के बाद मैं एक बार करने का फिर डिलीट करके फिर मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करने का एक तरीका है क्या, कि हम लोग यहाँ पे सिंपल से जैसे मैंने क्या किया, क्रिएट एंड क्लॉथ कर दिया यहाँ पे। एंड क्लॉथ करने के बाद यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल आपको दिखेंगे, यहाँ पे रेड लाइन कैसे बना लें, ठीक है। ये कैसे बन जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, इतने बार से, चलो इतने बार से हम लोग काम कर लेते हैं, इतने बार से मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। एक तो ज़मीन में जाने या ऊपर से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। ऊपर से एक चीज़ और भी ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे पिलो रखा ना, पिलो पिलो ऐसे भी आ जाएगा आपके यहाँ पे,
ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मैं प्ले नहीं करने वाला। अगर मैं प्ले करूँगा तो मैं इसके बाद और भी कई टेक्निक है, अभी क्लॉथ के अंदर बैठेंगे तो उसमें भी आपकी क्लासेस थोड़ा सा खींचेगी। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मैनेज करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे को काम करना है क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए टाइम चाहिए। वैसे ये पार्ट है, देखो ये पूरा पार्ट कैसे आएगा। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, एडिट में गया, डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पर, डिलीट हिस्ट्री में काम होगा ठीक है। डिलीट हिस्ट्री किया तो अगर देखें यहाँ पे मेरे पास, प्ले करके देखो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम में जाऊँ, हो गया यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री में वो एजिटिज वहीं पर रह गया ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने फिर से क्लॉथ लगा दिया तो इतने पर ही देखो यहाँ पर इतना काम हो गया। यहाँ पर गए, इसको मैंने क्या किया, एन क्लॉथ पे गए, क्रिएट एन क्लॉथ ठीक है, फिर से लगाया। यहाँ पर मैंने एक पैसिव क्लाइट कर ही रखा है कि नहीं देखो यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग ये डील करेगा यहाँ पे। इसके बाद ही इसके बाद से वो सिमुलेशन रेडी होता है। इसके बाद एक चीज़ और भी गाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे मुझे चाहिए ये चीज़ ना आगे ना जाए, वर्टेक्स पे गए, इतना मैंने पार्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे देखें यहाँ पे ओके। इधर हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या 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 मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मुझे चाहिए कंपाउंड, यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हो तो ट्रांसफॉर्म कॉन्स्टेंट दे सकते हो। ट्रांसफॉर्म कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे होल्ड कर देगा। अभी प्ले करके देखो तो आप यहाँ पे सिर्फ इधर इम्पैक्ट आएगा, हम से रुको होने दो, कैसे फाइल बनने दो यहाँ पे। तो ये यहाँ पर होल्ड करने का एक तरीका आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है। ठीक है यहाँ पे प्ले करके देखो, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे जो धीमी धीमी पार्ट है ना यहाँ पे आराम से नीचे बैंड हो जाएगा यहाँ पे। अब चीज़ों का ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, आपको ऐसे कुछ दिखाना तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो। ये आपका इतना काम हो गया तो आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा दो ठीक है, तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी मुझे मैं लाइक इतने से मुझे मैं सेटिस्फाइड हूँ, इतने से मेरा काम हो गया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अंदर कवर्ड करके बना तो वैसे मॉडल बना दो, मॉडल बनाने को फिर क्लॉथ का लुक एंड फील दे दो, तो वो क्लॉथ के लुक एंड फील में और चीज़ें ऐसी भी दिख जाएंगी यहाँ पे, अगर मुझे ऐसे कुछ काम दिखाना है तो ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे कुछ किया कि क्लॉथ का मुझे पार्ट बताना था तो मैंने सेट कर दिया। अभी मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एडिट यहाँ पे जाते हैं सिंपल, एडिट में गए और मैंने क्या किया डिलीट हिस्ट्री कर दिया। डिलीट हिस्ट्री करते यहाँ पे बाकी सारे पार्ट आपके यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया सेपरेट, सेपरेट करना था। इसके बाद यहाँ पे इस पर जो मेरे पास टेक्सचर है सिंपल बेडशीट वाला टेक्सचर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये भी पार्ट यहाँ पे दिखेगा। तो टेक्सचर में अगर बहुत बढ़िया नहीं दिखे ना तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, यूवीज पे गए, कहाँ गया मॉडलिंग, यूवीज पे गए, यूवीज में आपने क्या कर दिया ऑटोमेटिक कर दिया आपने, तो यहाँ पे चीज़ आपको ऑलमोस्ट बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे ठीक है। तो अभी हमसे यहाँ पे पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे देखो ये एन डिजिट ये सब का काम नहीं है, तो आप इसे डिलीट करके हटा सकते हो अपने यहाँ पर। देखो अभी यहाँ पे मैंने जैसे हटाया ना ये पार्ट में ऐसे गया, अभी मैंने हिस्ट्री तो डिलीट कर दी, लेकिन जैसे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ तो ये पार्ट यहाँ से गया नहीं है। तो यहाँ पे देखो डिलीट हिस्ट्री होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आपको ये रखना ही पड़ जाएगा। तो ये कौन एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे यहाँ पे ठीक है। रिजिड बॉडी भी है तो आप देखना अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्रॉस चेक करके देखना है। वन टू थ्री एंड फोर, अगर लगता है यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है तो छोड़ देना क्या। ये देखना यहाँ पे हाउस मॉडल यहाँ पे है, वही मॉडल है ना, जेड प्रेस करो वही मॉडल है यहाँ पे। तो देखो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, चलो लेट्स लीव इट ठीक है। तो अभी मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया, अभी यहाँ पे तो ऐसा चीज़ों को मैं मैनेज कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच सेम है बस पार्ट है यहाँ पे ठीक है, मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ तो ऐसा पार्ट को मैं तो ऐसा मैनेज कर देता हूँ कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे बस कहाँ गया, बस रेफरेंसेज है मेरे पास यहाँ पे, रेफरेंसेज ठीक है। काफ़ी चीज़ को हमने देखा कैसे मैनेज किया हमने यहाँ पे ठीक है, और लाइक हमारे जो माइंड में था तो हमने इसे देखा कस्टमाइज़ किया कि मैं यहाँ पे तो ऐसा काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कुछ एक पार्ट हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा कि भाई ऐसा कुछ काम करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है। इसके अंदर चीज़ों को तो ऐसा मैनेज करना बैलेंस करना कैसे कर सकते हैं वो हम लोग आइडिया दे सकते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो मैं एक बेडरूम वाइज चीज़ों को ऐसे डील करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे ठीक है। अभी मैं यहाँ पे गया पैनल पे गया, अभी यहाँ पे कैमरे में गया ओके। कैमरा नंबर वन है क्या यहाँ पे, कैमरा नंबर ये कैमरा में बस यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने तो एंगल चेंज कर दिया यहाँ पे ठीक है। अभी एंगल चेंज करना आपको तो पता चला आपको ये पिलो कहाँ पे, ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा ठीक है। टच करके रखना है तो पता चले वो फिर और लगेगा यहाँ पे। यहाँ पर चीज़ों को तो मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पार्ट मैंने सेट किया तो उस एंगल मैं ऐसे देता हूँ देखने में अच्छा लगे यहाँ पे, और ये पार्ट मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ ठीक है। कैमरे को कर दिया लॉक, बाकी क्या पर्सपेक्टिव है देखो यहाँ पर मुझे रूफ़ के लिए भी थोड़ा सा काम करना है। अभी बस इसका टू बी एच के काम हो गया यहाँ पे
रेफरेंस ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट लिया कि भाई मुझे यहाँ पे डोर बनाना है, ठीक है। डोर बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने। अभी मेरे पास ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो मैं इससे भी मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। टॉप पे गए, फोकस जो मैं डोर बनना है इसके बीच में ही बनना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स लिया यहाँ पे, है ना। और फॉर स्केल आप यहाँ पे देखो बना हुआ है, मैं देखें यहाँ पे, तो लेट्स सी कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे डोर एनिमेशन दे रखा था क्या हमने यहाँ पे, अच्छा हाँ एनिमेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी डोर पे अगर मैं यहाँ पे इसे इसे भी अगर मैं मॉडल देना चाहूँ, तो मैं मॉडल करना चाहूँ तो मैं मॉडल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑल टच ये हमने कर रखा है यहाँ पे, इसको मॉडलिंग में भी ध्यान देना है क्या, रिंग एंड स्प्लिट ये पार्ट मैंने कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, देन बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे। बेवल में आप यहाँ पे सेगमेंट दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो भाई कहाँ चल रहा जा रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, नहीं तो हमारी फाइल भी जा सकती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये हो गया, एनिमेशन में दे रखा है, तो एनिमेशन के चक्कर में कभी भी भाग जाते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगता है इधर इधर भी करना है तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा एक डिजाइन दे दिया यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट एक्सट्रूड किया मैंने। एक्सट्रूड करने पे यहाँ पे ऑफसेट होता है क्या, तो यहाँ पे मैं पहले तो थोड़ा सा थिकनेस हल्का सा पहले तो थिकनेस देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये थिकनेस दिया हमें, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे कीप फेस टुगेदर ऑफ कर दिया, यहाँ पे ऑफसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, और देन मैंने थिकनेस अभी अंदर की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। ये अंदर की तरफ लेके गए, और इज इट पॉसिबल ऑफसेट से थोड़ा सा मैं काम हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऐसा कुछ शेप हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं भाई। थोड़ा सा पार्ट हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड फिर से किया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसे क्या कर दिया, इसको थिकनेस को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पे, ओके। ऑफसेट से थोड़ा सा काम कर देते हैं, पतला कर देते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा भी लगा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ हमने ऐसा कुछ मैनेज किया, और देन थिकनेस ये पार्ट थोड़ा सा ये देखा, तो लुक वाइज चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पे लुक वाइज चीज़ें थोड़ा सा बेटर देखेंगे। आप ऐसे भी लाइक डोर के मॉडल में डिटेलिंग देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्शन में एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट में सिमिलर करके, देखो सब कुछ कर दिया गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे कई बार ऐसा करता है कई बार नहीं भी करता, सिलेक्ट में गए सिलेक्ट सिमिलर नहीं हुआ, इसको 1 2 3 भी काम करेगा यहाँ पे, दिस वन नहीं हुआ तो फिर हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और डोंट वरी फिर से आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे कहाँ दरवाजा, ओहो हमने पावर्ड हमने वो चेंज किया ना, तो बस यहाँ पे क्या हुआ चीज़ थोड़ा सा बैलेंस हो गई यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये पार्ट यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट यहाँ पे देखो लॉक कर रखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या कहा राइट क्लिक एंड अनलॉक, लॉक काम कर रहा है नहीं कर रहा पे अनलॉक, ये भी ध्यान देना। जैसे हम लोग एनिमेशन हमने डिलीट किया यहाँ पे, तो ये पंगा यहाँ पे हो जाता है। डब्ल्यू यहाँ पे टॉप पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या किया इंसर्ट बटन प्रेस किया, मैंने कहा चल भाई इधर चल, यहाँ पे स्नैप कर दें, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया अभी इंसर्ट वापस प्रेस कर दें यहाँ पे, तो अभी देखें यहाँ पे कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, ये इधर देखा तो मुझे भी इंसर्ट कहाँ प्रेस करना है इधर लेके आना, तो मैंने यहाँ पे क्या डब्ल्यू डी वी एंड मिडिल माउस बटन, आपसे ये मेहनत कराने वाला था यहाँ पे, देखना पे। तो ये पार्ट आपके यहाँ पे आ गया, तो मैं गया टॉप पे, कभी कभी ऐसे भी हमें मेहनत करने पड़ जाते हैं पे। ठीक है मेक श्योर इधर आप वापस आएगा बंद होगा वहाँ पे, हाँ ना भाई इधर आ जाओ, ठीक है। फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया 4 एंड 5, ठीक है। अभी हाँ ठीक है ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं, तो आप मैनेज कर लेना पे चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करना पे।
वही डार्क वुड है, वुड के साथ मैं कॉम्बिनेशन भी देता हूँ। मेरे पास जो डार्क वुड है यहाँ पे, मैंने लाइक मटेरियल टेक्सचर में यहाँ पे कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस वन फेसेस, या तो मैं ये वाला टेक्सचर यहाँ पे डाल दूँ वुड वॉल का, या फिर नीचे वाला डाल दूँ, दोनों में से सेम रखते हैं क्या? तो यहाँ पे आप फेसेस क्लिक कर सकते हो। आर्किटेक्चर में आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो आप, यहाँ पे वुड का है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड असाइन एग्जिस्टिंग पे जाके वुड, ठीक है। एक छोटा सा काम और कर देते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट में ज़्यादा विजुअल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 एजेस, ठीक है। एंड सेव टू राइट क्लिक, हार्ड एजेस, हार्ड एजेस कर देना, ठीक है। तो दूर से भी देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे यूवीज अगर सही ना हो तो आप यूवीज में फिलहाल में ऑटोमेटिक से काम चला लेना। अभी टेक्सचिंग पे जब आएंगे तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। देखो डिसलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, डब्ल्यू कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ देखो अभी आपका ऐसा कुछ एक पार्ट दिख जाएगा, यहाँ पे टेक्सचर बहुत बड़े देखेगा आप यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने ये पार्ट दिखाया है, मुझे इसके साथ क्या करना है, टॉप पे गए, इसके अकॉर्डिंग मैं रूफ़ का एक पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। रूफ़ का पार्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, जैसे इधर डोम मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने यहाँ पे क्या किया, H4 हाइट कर दिया मैंने, ठीक है। मुझे अभी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैं अभी रूफ़ का पार्ट और बाकी का पार्ट ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो स्विफ्ट राइट क्लिक, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पॉलीगन टूल, ओके स्टार्ट यहाँ से कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा वर्टेक्स मेरे पास काम करता है कि नहीं करता, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, कर रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पार्ट, दूसरा देखो दूसरा वर्टेक्स स्नैप कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। देखो वर्टेक्स ही जा रहे हैं यहाँ पे मैं तो होता है, देखो मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे ये पार्ट तो ऐसे में मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। सिर्फ प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने पे, यहाँ पे लगे कहीं भी कोई चीज़ आप एकदम से काम करना बंद कर जाए तो आप यहाँ पे ऐसे भी डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको तो काम करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा स्केल कभी कभी ये ऐसे भी दिक्कत देते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, तो इसके बारे में समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। ये वो सेट नहीं हुआ, अल्फा स्केल स्केल कर दो, स्टेट हो जाएगा अपने आप यहाँ पे। इधर भी सिलेक्ट कर दिया मैंने अल्फा स्केल, तो अपने आप सेट हो जाएगा। दोनों तक स्केल कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं चाहता तो सीधा भी कर सकता, ठीक है। पर्सपेक्टिव पे चलते हैं यहाँ पे, पर्सपेक्टिव पे गए, देखो यहाँ पे अभी कुछ चीज़ में दिक्कत क्या की है, देखो यहाँ पे अभी जो मैंने स्नैप किया, स्नैप जहाँ पे किया और बाकी पार्ट में कैसा है यहाँ पे, ऑल्ट एच स्नैप करने पर ऊपर गया, बाकी जहाँ पे स्नैप हटा वो ऐसा हो गया, इसे बोलते हैं नॉन प्लानर, ठीक है। आर प्रेस करो देन यहाँ पे स्केल कर दें आप, यहाँ पे स्केल भी कैसे करने वाला, फ्रंट में गए और यहाँ पे, यहाँ पे स्केल सेंटर पर जाकर छोड़ना, सेंटर पर जाके मैक्स होता तो कितना भी खींच लो कोई दिक्कत नहीं, माया है तो मैं आपको ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, ये सेंटर पर छोड़ दें आपको यहाँ तक डन, तो आपको ये पार्ट अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक तो पार्ट मैंने यहाँ पे रूफ़ के लिए, दूसरा पार्ट यहाँ पे अगर बेस के लिए चाहिए तो बेस के लिए भी कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, फेसिस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन देखो यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी आपको देना, तो कनेक्टिविटी दे दो। कनेक्टिविटी देने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मैं अगर ऐसे कुछ काम करता हूँ तो टॉप पे गया, टॉप पे जाने तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक मल्टी कट टूल, ये आपको क्वाड ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ प्रेस करोगे 60% दिख रहा है तो अपने आप स्नैप हो जाएगा, एंटर कर दो आप यहाँ पे, आपने क्लिक किया यहाँ पे अगर लगे यहाँ पे सिर्फ प्रेस करके आपको करना है ऐसे कर दो, अदरवाइज आप नॉर्मली भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर क्वाड बना देता हूँ यहाँ पे, अभी प्रॉपर नहीं तो मैं ऐसे ऑफ करके भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखना यहाँ पे, मैं इसको अभी यहाँ से मैं ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर लेना तो आपकी चीज़ अच्छी दिखेंगी यहाँ पे, तो टेक्निकली भी कहीं पे डिमांड होती है तो ऐसे ही वो डिमांड करते हैं, तो सबको क्वाड अच्छी होता है। स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया मैंने, थिकनेस यहाँ पे दिया हो गया एकदम, कंट्रोल स्विफ्ट एंड एच, यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ एक क्वाड दिख जाएगा आपके पास यहाँ पे, ओके। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे मेरे कैमरा भी है, पैनल पे गए मैंने यहाँ पे कैमरा भी लगा रखा है, कैमरे में मेरे को यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेंडर करूँ, मैंने ऊपर से रूफ़ बंद कर दिया है, तो रूफ़ बंद करने में मेरे पास लाइटिंग का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लाइट मैंने ऑफ कर रखा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट,
ओके डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल, ठीक है। यहाँ डोम देखना पे, डोम कितने वैसे, एक दो कितने डोम है यहाँ पे, एक भी डोम है, ये भी डोम है, सब डोम को डिलीट कर देंगे। टाइम रहते हमने बहुत सी चीज़ें किया, देखो यहाँ पे बस कुछ क्लॉथ नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बफर हो रहा है, कुछ पार्ट में बस ऐसे भी है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। ये कुछ अलग अलग पार्ट भी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ से कनेक्टेड हो गया है, कोई नहीं, सब लोग थोड़ा सा देखेंगे, कुछ में भी सब काम हो सकता है। मैं इसे हटाता हूँ, डब्लू फेसेस डिलीट, राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी एक बार रेंडर करके देखेंगे यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले चीज़ों को समझाता हूँ मैं। अभी आपको एक HDR लाइटिंग बता रहा हूँ, क्या 4, 5 एंड 6, ये बस विंडो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख कहाँ पे, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी तक मैं विंडो मैंने बनाया था, यहाँ पे बस कुछ पार्ट और भी है ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक HDRA भी होता है क्या, तो HDRA में डाउनलोड करता हूँ, और HDRA डाउनलोड करने के बाद जो सा सीन मैं देखूँ आपके पास, वो सीन मैं आपके यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ क्या। चलिए यहाँ पे जल्दी से सर्च कर लेते हैं, HDRI HDRA सर्च किया गूगल में जाके, यहाँ पे पॉलीहेवन करके वेबसाइट है, अच्छा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे क्या मुझे HDRA चाहिए, दिन का चाहिए, रात का चाहिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इमेजेस आ जाएगा। यहाँ पे 4K मुझे नहीं चाहिए, 4K आपको चाहिए आप ले सकते हो, 81 MB का है। मैं अभी फिलहाल में 1K से मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझको जल्दी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, EXR और HDR यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो गया। यहाँ पे 100 फोल्डर यहाँ पे गए आया क्या, राइट क्लिक है, कट करके मैंने अपने सोर्स इमेज में डाल देता हूँ, मैं सोर्स रेफरेंस ये है और सीन यहाँ पे है, ठीक है, तो रेफरेंस में जाके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। बेडरूम में गया, यहाँ पे सोर्स इमेजेस मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास काम क्या आने वाले, देखो मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे और माया में गए यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वॉन्ट आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट जो लगाते हैं ना, लाइट में यहाँ पे स्काई स्काई रूम लाइट ये कर दिया, कलर में जाके यहाँ से वो फाइल कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, उसमें जो सन है ना, उस सन की लाइटिंग ऑटोमेटिक डिलीट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे बस कहाँ दिख रहा है, बस HDRA दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर मुझे नाम याद है तो मैं नाम से भी यहाँ पे देख सकता हूँ, पे क्या नाम है, बेलफास्ट करके यहाँ पे कुछ नाम है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी प्रेस कर दिया यहाँ पे, यही है, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे सन मेरा किधर है, सन इधर है, तो मैं सन की रोशनी इधर से है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने रोटेशन दिया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, रोटेशन दिया, मुझे सन इधर से चाहिए, तो मैं बस इधर से लाइट का इम्पैक्ट देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या सिंपल सा क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रेंडर करके देखें, यहाँ पे रेंडर में कुछ आता ही नहीं आता, तो मेक श्योर थोड़ा क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे। अभी लाइट का इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, देखो लाइट का इम्पैक्ट अभी बाहर से आ रहा है और लिमिटेड आ रहा है, बहुत ही लिमिटेड आ रहा है क्योंकि मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे स्किप कर दिया मैंने यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके मैं एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इंटेंसिटी है, सेटिंग है मेरे पास यहाँ पे, इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे कर दिया 10, यहाँ पे कर दिया नॉर्मलाइज यहाँ पे है, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे रेंडर में जाके एक आपका ओपन आर्नोल्ड इंटरेक्टिव यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखा यहाँ पे बाहर की तरफ कितनी लाइट आ गई यहाँ पे, ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे, इस वाले व्यू पे यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे प्ले किया यहाँ पे, यहाँ पे गए, ठीक है, रेंडर ओपन ऑनलाइन व्यू मेरे यहाँ पे आ रहे, अंदर से रोशनी, बाहर से लाइट का इम्पैक्ट कितना आ रहा है। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं अगर एक बेडरूम बना रहा हूँ, मुझे चीज़ों को अगर मैनेज करना है, तो मैंने बाहर से लाइट का इम्पैक्ट अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास अभी अंदर की लाइटें नहीं है, मैंने लाइट तो नहीं लगाई, डोम लगाए, देखो डोम से यहाँ पर लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है आपको, लाइट का इम्पैक्ट इधर आते हुए नज़र आ रहा है, तब चीज़ों को ऐसे देखोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा काम यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक दो लाइट अगर मुझे मैनेज करना ही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट पे गए, फ्रंट मेरे पास यहाँ पे, और मेरे पास जो है ना ये पार्टी टच भी रहना चाहिए, देखो इतना ऊपर होगा ना लाइट लीक कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मिक्सर यहाँ पे। अभी हमने जो रूम को लाइक खुला क्यों बनाते हैं, अभी दिखाता हूँ, खुला बनाने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसा, मतलब इस लाइट की रोशनी सिर्फ इतने पे ही आ रही है, ठीक है,
मेरे पास अगर इधर भी विंडो होगा तो मेरे पास लाइट की रोशनी और ज़्यादा आएगी। बात समझ, कितना है और कितने तक लिमिटेड है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें मैनेज करती है। इसके सिवाय जैसे मैंने अभी क्या रेंडर सेटिंग पे गया, आर्डिनो पे गया, यहाँ पे डिफ्यूज़ है देख रहे, इसको मैंने पे डिफ्यूज़ का मैंने कर दिया 4, तो और बढ़ जाएगा यहाँ पे इम्पैक्ट, बढ़ना है टाइम तो ऐसा लगेगा ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, अगर मैं चाहता हूँ इसी लाइट्स के अंदर मैं थोड़ा डील करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज कर देता, यहाँ पे नॉर्मलाइज में गए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देन यहाँ पे थोड़ा सा रेंडर क्रॉस चेक करें, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा रेंडरिंग में, थोड़ा टाइम लगने वाला है यहाँ पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ में और थोड़ा सा बेटर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा दी, यहाँ पे लाइट क्या लगा सकते हैं, क्रिएट यहाँ पे जाओ आर्नोल पे गए, लाइट पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया एक एरिया लाइट लिया, यहाँ पे एरिया लाइट यहाँ पे देखा, यहाँ पे एरिया लाइट लिया, 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, ये लाइट मैंने यहाँ पे लिया ठीक है। आर फॉर स्केल देखा, यहाँ पे रोटेशन दे दो, यहाँ पे देखो कैसा रोटेशन पे गए, रोटेशन में हमने क्या किया -90 कर दें, लाइट में थोड़ा सा अंदर की तरफ ऊपर तरफ लगा दूँ यहाँ पे, पॉसिबल है तो थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी आपके पास यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए ओके, नॉर्मलाइज मैंने कर रखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया इंटेंसिटी थोड़ा सा 2 और 5 के आसपास में रखता यहाँ पे, तो लाइट में क्रॉस चेक किया, आपको लाइट रेंडरिंग करके के आपको देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा कि भाई किस में किस टाइप से इम्पैक्ट आ रहा है और कैसे चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो। देखो अभी पहले अंधेरा था, अभी देखो अंधेरा तो नहीं है, क्यों हुआ क्योंकि मैंने अंदर एक लाइट भी लगा दिया। तो आपको आइडिया मिलना चाहिए आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको ऐसा पे चाहिए थोड़ा और बेटर देखिएगा यहाँ पे ठीक है। तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, देखो क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा ओके ऐसा कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है। बाहर का लाइट यहाँ पे दिख रहा है, अंदर का लाइट और यहाँ पे दिख रहा है, वो अंदर किधर लाइट में कैसे लेके आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो थोड़ा सा नॉइज़ भी आ रहा है, नॉइज़ की सेटिंग हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे, एक बार देख लो रफली कितना आ रहा है कैसा आ रहा है ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैं दरवाज़ा कहाँ चला गया ठीक है, दरवाज़ा मेरे पास कहाँ है दिख तो रहा है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा क्या, तो यहाँ पे क्या करते हैं स्केप किया मैंने यहाँ पे ओके ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट किया, अभी मैं जो लाइट जो मैंने लगाई ना यहाँ पे, ये लाइट लाइट को कैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करो, लाइट ही चाहिए मुझे, ज्योमेट्री नीचे ज्योमेट्री को ऑफ कर दो आप, यहाँ पे देखो लाइट अब सेलेक्ट होगा आपके यहाँ पे ठीक है। पहला काम ये जो मैंने रूम के अंदर लगाया इसको हल्का सा स्केल कर लेंगे लिटिल बिट ठीक है। कॉर्नर पे मत रखना, कॉर्नर पर रखने से क्या तो कॉर्नर लाइट कॉर्नर जगह पे भी बर्न करने लगे यहाँ पे, तो बीच में करके थोड़ा सा इक्वली आप यहाँ से मैनेज करना ओके। दूसरी चीज़ अभी ये सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स बढ़ाओगे 4-5 करोगे, मिनिमम 3 करना ताकि वो थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे ओके। मैंने लास्ट टाइम देखा, लास्ट टाइम मेरे पास ऐसा कुछ इंपैक्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ अभी यहाँ पे बस रेंडर सेटिंग है, रेंडर सेटिंग गए यहाँ पे दिख रहे हैं पे, ये मिनिमम 5-5-5 करोगे तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा। यहाँ पे रे ट्रेसिंग में आप मिनिमम 2-5-5 भी करोगे तो आपके पास चीज़ें बेटर दिखेंगे यहाँ पे ठीक है। स्पेक्लो 3 यहाँ पे, ये सब बेसिक बेसिक सेटिंग है जिसके साथ आप अभी काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम शायद हमें डील करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा टाइम और दूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया स्किप किया, स्किप करने से मेरा सिलेंडर रुक जाता है क्या आर्नोल्ड का ठीक है। मैंने एंडर आर्नोल्ड का रेंडर रोक दिया पे, मैंने यहाँ पे क्या किया 5 की जगह मैंने क्या किया लाइक मुझे चाहिए लाइक 3.5 करके देखें यहाँ पर। बाहर की रोशनी मेरे पास आ रही है, बाहर की रोशनी से अंदर का रूम लिट हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने एक सिंपल सा एक आर्नोल्ड की लाइट मैंने लगा दिया और मेरे पास चीज़ें वहाँ पर देख रही हैं। अगर लगे कि मुझे लाइटिंग को थोड़ा सा पढ़ना है ठीक है, कि लाइटिंग को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर हो रही है यहाँ पे, तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो यहाँ पे लाइक चैनल पे जाना है पे, मैंने अभी रिसेंटली लाइक आर्नोल्ड की एक इंटीरियर लाइटिंग का मैंने अपलोड किया, तो एक बार क्रॉस चेक करना है पे ठीक है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ये आर्नोल्ड के रूम की लाइट है, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लाइटिंग का पार्ट, आप इन दोनों को पढ़ लोगे तो आपको लाइटिंग का बहुत डिटेल आइडिया मिल जाएगा आपके। मैं जिस मैंने 5 मिनट में लाइटिंग मैंने बता दी, ये कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं वो इधर और इधर मिल जाएगा, नहीं तो अभी अभी जब आपको लाइटिंग कराऊँ तो उसमें भी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन हाँ जैसे लगता है भाई किसी को कि मुझे अभी ही थोड़ा सा चीज़ों के लिए कर लेना है, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन बता दिया,
देखो यहाँ पे आपको चीज़ें निकलेंगी, रेंडर निकलेगा, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को दिखाया, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्वालिटी भी बेटर कर रेंडर निकालूँ। मैंने अभी इतने में ठीक है, मुझे आइडिया मिला है, अभी ये रेंडर से मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना पार्ट मुझे अगर रेंडर करना है तो मैं इतने पार्ट को ऐसे भी रेंडर कर सकता हूँ, यहाँ पे हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं, रीजन रेंडर। किसी भी एरिया को आपने सेलेक्ट किया, आप उतने पार्ट को आप सेलेक्ट करके रेंडर निकाल रहे हो। आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा, ठीक है। तो हम लोग ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, देखो आपको ये वाला कलर अच्छा लग रहा है या ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, वो इस डिपेंड ऑन यू, ठीक है। मुझे लगता है एक बार ये ट्राई करके देखें तो थोड़ा बेटर लगेगा। तो मैं जब क्रॉस चेक करते हैं ना, क्रॉस चेक करने में हम यही चीज़ ध्यान देते हैं क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपका पार्ट यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्राई किया वुड वॉल करके मैंने ट्राई किया, और तो उसमें मैं एक बार देखूँ यहाँ पे इसी में रीजन रेंडर पे करके देखूँ यहाँ पे, तो भी आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो आपको छोटा सा पार्ट क्या है, क्या आपने पार्ट दिया, कैसे बनाया, किस तरह से आपने आउटपुट निकाला, लुक एंड फील कैसा आ रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे। अभी मेरे पास वो आया कि नहीं आया, पहले भी मैं क्रॉस चेक करता, मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडल सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, मॉडल मेरा ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। मॉडल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन वुड वॉल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर मैं काम करूँ यहाँ पे, तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको पहले लाइटिंग करना है, लाइटिंग करने से थोड़ा सा रेंडर करके देखो, रेंडर करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपने चीज़ों को मैनेज कर, देखो ये थोड़ा सा कलर मैच कर जाएगा यहाँ पे, बात समझ रहे ना। यहाँ पे नीचे हमने यहाँ पे मैच कर दिया, अभी मैं यहाँ पे सेटिंग थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। सेटिंग हाई करने पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। सैम्पल्स है, सैम्पल्स को मैंने कर दिया 4 और 5, मिनिमम 3 करना, ठीक है। रेंडर सेटिंग पे गए, यहाँ पे मिनिमम आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 टाइप 5 एंड 5 एंड 5, ठीक है। इन सबको आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, मिनिमम 5 एंड 5, ये 10 5 5, ये आप ऐसे चीज़ को मैनेज करोगे, आपके पास थोड़ा सा बेटर ऑप्शन आ जाएगा। एनेबल सैम्पलिंग, सैम्पलिंग करना तो आप कर सकते हो, वैसे भी नीचे फिल्टर में बाय डिफॉल्ट रहने दो। ब्लर मुझे क्वेश्चन ब्लर चाहिए, 1.5 तक काम कर जाएगा, यहाँ पर इतना हमारा काम कर जाएगा, इससे हमारा बेसिक एक आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर रेंडर लगा दूंगा तो टाइम लगेगा क्या, ठीक है। तो ये आपका रेंडर हो गया है, और आप इस टाइप से आप एक बेडरूम बना सकते हो जल्दी से जल्दी विद लाइटिंग।